लीला को प्रारंभ करते हैं, कहते रास लीला का जो पहला श्लोक है, बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्री योग मायांग उपाश्रिता। सर्वप्रथम श्री राधा रानी के चरणों को प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी कौन है? ये रासेश्वरी, क्योंकि इनके बगैर रास असंभव है। इसलिए आप कभी रासलीला देखे होंगे, वहां पर श्री राधा रानी सिंहासन में बैठ जाती हैं। रास प्रारंभ से पहले श्री श्याम सुंदर गोपियों को साथ में जाकर को स्वागत करते, बोले हे राधे, ये रास प्रारंभ हो गया है, आप कृपा करके रास में पधारे। क्योंकि राधा रानी के बगैर रास असंभव है, क्योंकि जब रासलीला हो रही थी उसी समय में सबके सप्त थे, कृष्ण भी थे, वहां पर ललिता विशाखा सखियां थी। लेकिन जब श्री राधा रानी मान करके चली जाती हैं, वो रास टूट जाती है। बोले क्यों? बोले रासेश्वरी तो श्रीमती राधा रानी, उनके बगैर रास कैसे होगा? कृष्ण वहां पर, ललिता विशाखा सखियां वहां पर, लेकिन राधा रानी नहीं पर रास टूट जाती है वहां रासलीला। इसलिए प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी राधा जी के चरण में प्रणाम करते हैं। जब गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, बोले जयती जन्मना ब्रज श्रय यहाँ पर गोपियां कृष्ण विरह में ये कीर्तन गा रही हैं। बोले हे श्याम सुंदर, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिए हो तब से ब्रज में तो जय जयकार हो रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं। लेकिन तुम्हारा तुम्हारी जो गोपियां हैं ना, केवल तुम्हारी गोपियां ही दुखी हैं। जब से तुमने ब्रज में प्रकट हो गए, बोले श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब उधर लक्ष्मी। कहते यहाँ मूल लक्ष्मी कौन है? बोले श्री राधा रानी। बोले जो ब्रज भूमि है ये राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन गई है, लेकिन केवल तुम्हारी राधिका गोपियां ही तुम्हारी विरह में दुखी है। यहाँ पर भी उन्होंने श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग संत लोग दिखाया भागवत में सर्वत्र श्री राधा 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 का नाम है। जब रास गोपियां श्याम रहे थे, सुंदर दो चरण बड़ा हुआ, लेकिन उसको बीच में एक सुंदर चरण छाप है। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, देखो यद्यपि रासों में सबके सब गोपियां तो थी, लेकिन कृष्ण किसको साथ में लेकर गए? देखो ये जो बीच में चरण किसकी चरण है? बोले श्री किशोरी श्री राधा रानी का चरण है। मतलब कृष्ण केवल श्री राधा रानी को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव श्री राधा रानी की महिमा को गान करते हैं। ऐसे ही भागवत में सर्वत्र सर्वत्र श्री राधा रानी का नाम है। इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब किसके नाम लेते हैं? राधे राधे। कोई जोर से बोलने दे। राधे राधे। हाँ, इसलिए सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे थे। जब कृष्ण एक दिन करवट ले लिया, मैया को तो बड़ा आनंद मिला, लाला का शरीर में ताकत आ गया। जैसे 3 महीना होने पर लाला करवट लेता है, मैया तो खुश हो गई। बोले आज ब्रज में कृष्ण करवट लेने का हम उत्सव मनाएंगे। जितने ब्रज गोपियां सबको नौता दे दी, अपना आंगन को साफ सुथरा करते हुए जितने दूध दही मक्खन को एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी, और गोपियां बैठ करके बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला।
मिली तेरी कजड़ी रंग बारा गोकुल में आयो नाला गोकुल में आयो नंद नाला गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो नंद नाला गोपियों से पड़ गया बपाला गोपियों से पड़ गया बपाला जियो श्यामला दिल्ली तेरी पगड़ी रंगताला जियो श्यामला जियो श्यामला दिल्ली तेरी पगड़ी रंगताला। जब भजन गा रही थी अभी कृष्ण सो रहे थे, अभी कृष्ण की नींद खुल गई। बोले देखो मेरे लिए ये उत्सव हो रहा है और मेरे को कहा कीर्तन से मेरे को अलग करके बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और मैं गोलोक वृंदावन छोड़ करके यही आनंद लेने के लिए आया हूँ। ठाकुर जी कहाँ निवास करते हैं? बोले मत भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद जहां पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। अभी ठाकुर जी को अपना कीर्तन का आनंद लेने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन ठाकुर तो अभी 3 महीना के, अभी उनको घुटन पर भी चलना नहीं आता है। बोले बच्चों का बल किया? बोले रोना। जब बच्चे रोए ना माताएं उठा करके गोद में ले लेती हैं। कृष्ण ने सोचा अगर मैं थोड़ी सी जोर जोर से रोऊं ना हो सकता है मैया मेरे को उठा करके गोद में फिर कीर्तन में ले आएगी। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिए, इतने रोए अभी रो रो करके तो कृष्ण थक गए। मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, किसको क्या देना किसको क्या लेना। अभी मैया सोच रही है भैया, कृष्ण सोच रहे हैं इतना तो रो लिया भैया और कितना रोऊंगा अभी। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने उन्होंने प्रेरणा की कंस को। कंस ने एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन लोमर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उनके सारे बाग बगीचा को उन्होंने धसनस कर दी। ऋषि ने अभिशाप दी, बोले भगवान इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए संतों की ठाकुर जी के बाग को उजाड़ने के लिए, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है तुम्हारी ये शरीर ही गायब हो जाएगा। देखते सचमुच तो उसका शरीर ही गायब होने लग गया, सारी नशा उतर गई। उन्होंने ऋषि के चरण में गिर पड़े, बोले मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले कृष्णा गोकुल में जब जन्म लेंगे उनकी चरण की ठोकर से तेरे उद्धार होने वाले। अभी वही तीना बर्ता भी आ गया, उसका शरीर सकटा शुरू आ गया, उसको शरीर है ही नहीं। देखा कृष्णा बैलगाड़ी को नीचे प्रभु लेटे हुए, उसने आकर के पूरा बैलगाड़ी के ऊपर में उसने सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबा करके ना कृष्ण नीचे लेट रहे पीस जाएंगे। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं और उनके संबंधी सबके सब मामा लगते हैं। बोले भैया मामा जी आ गए, कुछ ना कुछ करेंगे। और उसने जो बैलगाड़ी में सवार होकर के नीचे दबाने लगा, कृष्ण कोमल चरण को धीरे 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 चलाया और ऐसे ठोकर मारी पूरा बेल गाड़ी पलट गई, उसमें जितने दूध दही सबके सब तसनस हो गया। गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोली ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे है, यहाँ पर तो कोई हवा आंधी तूफान है ही नहीं, यहाँ पर सबके सब भागते भागते आए। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने देखा था कृष्ण के चरण के ठोकर से ही ये गाड़ी पलट गई। छोटे छोटे बच्चों ने तोतली तोतली बोली से बोलने के लिए कोशिश की, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैया कन्या को ला करके कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर गोपियों ने गाए, बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तेरी पगड़ी रंग काला मत रो काला मत रो काला असमझा
देखो ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, घर में कोई भी उत्सव होना भगवान को छोड़ करके मत करो, ठाकुर जी को लेकर करो। देखो एक समय हमारे गुरु जी एक व्यक्ति को पूछा, भैया घर में तुम कितने भक्त कितने सदस्य हो? ये दो पति पत्नी दो बच्चे थे। बोले गुरु जी हम चार ही है। बोले चार ना पांच है? बोले पांच नहीं हम चार ही है। बोले तुम्हारे घर में क्या ठाकुर जी नहीं है? बोले तुम्हारे घर में क्या ठाकुर जी नहीं? बोले ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी को अलग क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी भी तो तुम्हारे घर में, मैं तो बेटा रूप में हो, मैं तो तुम्हारी बंधु रूप में हो, प्रियतम रूप में। असली बेटा तो ठाकुर ही है, असली परिवार तो तुम, असली तो ठाकुर जी को भी अपना एक सदस्य बन। इसलिए कहते ना तुम्हें वह माता च, तो असली पिता माता भाई तो ठाकुर जी है, पर ठाकुर जी को क्यों छोड़ते हो? ठीक है ना। इसलिए क्या करो, अपना लिए कोई चीज खरीदी करने से पहले पहले ठाकुर जी के लिए खरीदी करो। बच्चे के लिए कपड़े खरीदी करने से पहले ठाकुर जी के लिए, अपना लिए साड़ी खरीदी करने से पहले ठाकुर के लिए कपड़ा खरीदी करो। बोले नहीं ठाकुर जी को तो 8-10 सेट है। हाँ तुम्हारी घर में तो ठाकुर के लिए तो 8-10 सेट है तुम्हारे घर, तो अपने ठाकुर जी के लिए। बोले तुम्हारे लिए कितना, अपना देखो यहाँ घर में कितना साड़ी घर में लगा हुआ है, कितने तुम्हारे कम से कम 100 तो होगा। अगर कोई शादी की सालग रह जाए ना, बोले नहीं और एक नया चाहिए। अगर पति टालने के लिए चाहता है समय नहीं, बोले नहीं जा पाओगे तो मेरे को पैसा दो, मैं खुद खरीद कर दे। हाँ इसलिए क्या करो, अपना लिए खरीदी करने से पहले ठाकुर को के लिए खरीदी करो। ये प्रेम इसको कहते हैं। हम कहते नहीं ठाकुर तो प्रेम करते हैं। भैया प्रेम होगा ना, जैसे बच्चे को प्रेम करते हो उसके लिए खाना पीना कपड़ा लता खरीदी करते कि नहीं? जब उसके लिए करते हो तब ठाकुर के लिए नहीं करनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को छोड़ कर करोगे ना कोई काम, हम भी यही करते हैं, सारा दुनिया को बुलाएंगे हैं और कितना बोतल तोड़वा देंगे, कितने पता नहीं कितना मांस मछली कितने जानवर को खत्म कर देंगे, लेकिन भैया जिसने दिया उसके लिए कुछ भी नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ है। भगवान कहते ऐसे करोगे ना एक दिन ऐसे ठोकर मारूंगा सब घर के तसनस कर दूंगा। अगर मेरे को लेकर करोगे, मेरे लिए करोगे तो बस फलते फूलते रहोगे। इसलिए पहले ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को हाथ में जैसे माता है लेकर ऐसे उछालते है ना, ऐसे ऐसे एक दिन मैया उछाल रही थी। कृष्ण सोच रहे थे, बोले मैया थोड़ी दूर उछाल रही है, मेरे मन में तो इच्छा है थोड़ी सी ऊपर चले जाओ। क्यों? कोई एरोप्लेन आ जाए कुछ दिन बाद में, अभी मेरे को मक्खन गली गली में चुराना, पहले गली तो देख लू किधर जाना नहीं जाना प्लेन में घूमने का। इतने में जोग माया कंस को प्रेरणा की, कंस ने उन्होंने तृणाभर्त को भेज दिया। ये तृणाभर्त आंधी तूफान रूप में आ गया,
मैया तो कन्या को इसे उछाल रही थी। कृष्ण सोचा अभी तो मामा जी आए, एरोप्लेन आ गया, मेरे को ऊपर उड़ा करके ले जाएगा, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया क्या करेगा। कृष्ण ऐसे भोजन, इतने भोजन कृष्ण अपना शरीर को कर दिया, मैया तो रख नहीं पाई, उनको लेटा दी। इतने में तृणावर्त आया, सीधा कृष्ण को पकड़ करके ऊपर उठा लिया और कृष्ण उसको गले को पकड़ करके पूरा एरोप्लेन में, पूरा ब्रजमंडल घूम लिया। अभी एरोप्लेन में तो चढ़ गए, अभी उनको लैंडिंग करना, अभी उतरना है, उतरेंगे कैसे। इतने में कृष्ण उसकी गले को ऐसे पकड़ लिया, इतने में वो दैत्य ऐसे गिरी, एकदम चकनाचूर हो गया। मैया ने देखा मेरे लाला तो यहीं पर लेटा था, मेरे लाला कहाँ गया। देखा दूर में एक दैत्य मरा पड़ा हुआ और कृष्ण उसकी छाती के ऊपर में। अरे मैया जा करके कृष्ण को उठा करके ले आए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी से थोड़ी समय के लिए ब्रज में ये तृणावर्त आ गया आंधी तूफान रूप में। हाँ ध्यान देकर सुनो, कभी कभी भक्ति में भी कभी कभी आंधी तूफान आ जाता है, भजन करो। कभी कभी घर में कभी कभी ऐसे विपत्ति आ पड़ती है ना, हम लोग भी विचलित हो जाते हैं भजन में। अभी क्या करें, भजन छोड़ देना, संसार छोड़ दे। कभी कभी हम भी थोड़ी समय के लिए विचलित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिखा देते हैं भैया, जीवन में जो भी कुछ हुआ है, जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ठाकुर जी जिस अवस्था में क्यों नहीं रखे, उसी अवस्था में रह करके क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक सुंदर एक स्टोरी सुनो, ये चैतन्य महाप्रभु भक्तों का चरित्र है, अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। महाप्रभु का एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पंडित, कदी ये स्वयं नारद जी है, ये चार भाई थे। इनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के रात भर कीर्तन करते थे, लेकिन इनका एक ही बेटा था। वो बेटा जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके घर में कीर्तन कर रहे थे, ठीक उसी समय में एक लौता बेटा ने शरीर छोड़ दिया और घर के जितने माताएं तो बैठ करके रोना शुरू कर दी। श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। श्रीवास पंडित ने देखा थोड़ी रोना का आवाज कहां से आ रही है, तो उन्होंने कीर्तन को प्रणाम करते हुए गए, देखा उनको एक जो लौता हुआ है और उसको ऊपर में सफेद कपड़े से ढक करके रखे थे। तो उन्होंने पूछा भैया तुम लोग रो रहे क्यों, बोले तेरे एक लौता संतान ने शरीर छोड़ दिया। बोले शरीर छोड़ दिया तो तुम क्यों रो रहे हो, अरे बोले तेरे एक बेटा था मर गया। देखो वो क्या कहते हैं, बोले ये बताओ ये बेटे को दिया किसने, ये बेटा दिया था किसने। बोले ठाकुर ने दिया। बोले लिया किसने, बोले ठाकुर ने लिया। बोले जब उसने जब दिया उसने रोए लिए, फिर तुम रो रहे क्यों बीच में। देखो ये बच्चा कितना सौभाग्य है, एक दिन मरना है कि नहीं। बोले हाँ आज हो नहीं तो सौ साल साल मरोगे, लेकिन इसकी सौभाग्य देखो, घर में साक्षात भगवान अपना परिकरों के साथ में नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव चैतन्य महाप्रभु कृष्ण गदाधर स्वयं राधा रानी अद्वैत आचार्य सदासी, तुम्हारी घर में इतने सारे भक्त है और इतने सारे भक्त तुम्हारे घर में कीर्तन हो रहा है, नृत्य कीर्तन इतने जोर तोर से हो रहा है, ये कीर्तन सुनते सुनते बेटा ने शरीर छुड़ा, समझो ये बच्चा कितना सौभाग्य है। मैं भी चाहता हूँ भैया एक दिन तो मरना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर के सामने कीर्तन सुनते सुनते जाए, कितने सौभाग्य की बात। खबरदार रोना धोना नहीं, दिया उसने और लिया उसने, हैं? दिया उसने और लिया उसने, भैया बीच में रोने का कोई जरूरत नहीं। खबरदार अगर रोगे ना, महाप्रभु जो हमारे घर में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, अगर उसी में कोई भंग हो जाए, उसमें कोई डिस्टर्ब होना, बेटा तो गया, मैं भी गला में रस्सी बांध करके ये गंगा में डूब मरूंगा, खबरदार रोना नहीं।
अभी चुपचाप हो गए, लेकिन घर के माताओं को चैन कहाँ पड़ती है, मन मन में रोए। तब फिर आकर के महाप्रभु जो उस घर में कीर्तन कर रहे थे, खूब पहले जितने खुश होकर नाच कीर्तन कर रहे थे उससे भी ज्यादा उछल उछल कर नाच रहे थे। महाप्रभु सब जानते घटघटवासी, बोले आज मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, लगता है ये श्रीवास जी के घर में कोई अमंगल है। श्रीवास पंडित तो छलांग लगा करके बोले हे प्रभु, जब साक्षात आप जिस घर में नृत्य कीर्तन कर रहे हो वो घर में कभी विपत्ति आ सकती है। इतने में अद्वैत आचार्य एक भक्त थे, बोले प्रभु इनका जो एक लौता संतान ने शरीर छोड़ दिया, जो इतना सुने ना महाप्रभु तो रोने पर रो पड़े। बोले श्रीवास पंडित, तुम मेरे खुश के लिए इतने खुश हो मेरे प्रेम में, आज एक लौता बेटा बेटा भी मर गया उसमें भी तुम दुखी नहीं हो, आज से मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ, तुम्हारी एक बेटा था ना, आज से हम तेरे दो बेटे बनेंगे। कौन है? बोले मैं और नित्यानंद प्रभु। मैं मतलब ये स्वयं कृष्ण नित्यानंद प्रभु मित्र बलदेव, आज से हम तुम्हारी दो बेटे बन गए। हाँ देखो, इसलिए कभी कभी भक्ति करने वाले को जीवन में कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है, लेकिन आने पर भी दुखी नहीं होना। दिया ठाकुर ने, लिया ठाकुर ने, इसलिए हमें दुखी नहीं होना। क्या करना? भगवान की हमें भक्ति करो, भगवान की इच्छा में अपना इच्छा मिला करके भगवान की भक्ति करते रहो। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े कृष्ण हुए, अभी भगवान की कोई नाम करना संस्कार नहीं हुई, जिसको मुंह में जैसे आए ना, जैसे छोटे छोटे बच्चों को मुंह में जो कुछ आता है टुल्लू बुल्लू और छोटू बड़ू सब के सब बोलते हैं। अभी नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई नामकरण हो जाए, श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं मेरे दोनों लाला गोकुल में इनके नामकरण हो जानी चाहिए। एक दिन उन्होंने श्री गर्गाचार्य को बुलाए, बोले हे गर्गाचार्य, आप तो त्रिकाल दृष्टा सब आप जानते हो, ये जो दोनों लाला है मेरे ही लाला है, अब जाओ ब्रज में और मेरे दोनों लाला का नामकरण करके आओ और ऐसे के नाम रखियो जो नाम मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, ओ भाग्य है भगवान को गोद में लेना कोई साधारण भाग्य है। अभी भगवान की नन्हे नन्हे छोटे छोटे चरण हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, देखना छोटे बच्चे को जब गोद में लेते हो कितना प्यारा लगता है, कभी दाढ़ी पकड़ते हैं, कभी कपड़े खींचते हैं। भगवान को गोद में लेकर के मैं नामकरण करूंगा, मेरा भाग्य तो जग गया। तब गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, जब आए नंद बाबा इतने खुश हो गए, बोले महत विचरणाम गृह।